पहले तो मुझे ये लग रहा है वो क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट वो सोच रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे उन्होंने सोचा है कि न्यूज़ बन गई, ठीक है, तो एक इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे दिया कि उन्होंने ऐसा सोच लिया। अब बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ठीक है नंबर दो, जैसे इन्होंने बताया अभी दर्शिल ने कि ये एक पूरा यूथ इस पर 2014-19 पूरा सोशल मीडिया की पावर से इलेक्शन लड़ा गया। अभी मेरा ओपिनियन ये कि अगर सोशल मीडिया क्रिटिसाइज़ करता है, फेवर करता है, तो उसको वो छोड़ के हट नहीं सकते, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी। सिर्फ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे वो पीछे हट के कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसका कुछ जस्टिफिकेशन नहीं, वो क्यों छोड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, कि उसको कोई पर्सनल इशू है या कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, या फिर मतलब जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, वैसा कुछ है तो वो छोड़ रहे हैं, पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक लीडर का अपने पब्लिक से हट जाना अकाउंट से, बिकॉज वो आंसरेबल हैं हमको, तो वो आई डोंट थिंक कि वो छोड़ेंगे भी ऐसा। जैसे 2014 और 19 में जो मोदी जी को इतनी बड़ी जीत मिली है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी था, तो अचानक ऐसे डिसीजन लेना और युवाओं से जो कनेक्ट रहते वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू रहते, तो अचानक ऐसे डिसीजन लेना पता नहीं क्यों ले रहे, पर ये यंगस्टर से मोदी जी हमसे दूर हो जाएंगे। मैं मोदी जी को और तो कोई प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करता, मैं खाली ट्विटर पे ही फॉलो करता हूँ, एंड ट्विटर पे अगर आप देखें तो मोदी जी क्या करते हैं, मतलब खाली सक्सेस, अगर किसी को सक्सेस मिले तो उसको विश करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, अगर कोई फेस्टिवल है तो उसको विश करते हैं, और तो कुछ करते हैं नहीं, ठीक है। तो मैं मोदी से बस खाली इतना कहना चाहता हूँ कि आप मंडे को हम लोग को होली विश करके उसके बाद आप लीव करिए, संडे को मत करिए। बाकी इस गवर्नमेंट ने और भी सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, GST, ये सब के लिए YouTube चैनल से, तो बस ये सब बंद मत करना, बाकी अगर ये बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मुझे लगता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जो सपोर्ट आज मिल रहा है उसकी वजह ही सोशल मीडिया है, और उनके कई जो समाज में आज मेक इन इंडिया ले लो या तो स्वच्छ भारत ले लो, कुछ भी है, उनको ये सपोर्ट कैसे मिल रहा है, सोशल मीडिया की वजह से। अगर वो नहीं होता तो 50% सपोर्ट कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही आजकल यही एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जहाँ पे आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और आज के टाइम में ये बंद करना मुझे नहीं लगता, तो फिर आप अपने लोगों से कैसे बात करना, कैसे बात करोगे आप, तो मुझे नहीं लगता जाए कि उन्हें सोशल मीडिया से उनको छोड़ देना चाहिए वो सारे प्लेटफॉर्म को। और उनके 35 मिलियंस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो इतने सारे फॉलोअर्स को छोड़ के फिर वो कैसे कनेक्ट करेंगे, वही एक क्वेश्चन है मेरा उनसे, कि फिर वो कैसे अपने थॉट्स शेयर करेंगे।